किसी ने प्रश्न किया कि राम राज्य और रावण राज्य का विभाजन किस प्रकार का है। उत्तर में कहा कि जो लोग सूर्योदय के बाद में भी सोते रहते हैं वो रावण राज्य के निवासी हैं, और जो लोग सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं वो राम राज्य के निवासी हैं। कौन है? राम राज्य का निवासी है ये स्वयं निर्णय कर सकते हैं। अब तो घरों के अंदर भी ऐसा हो गया, घरों की बात क्या कहो, बेडरूम में भी आधे बेड पर जो है राम राज्य है और आधे बेड पर रावण राज्य है। सोना जरूरी है, शयन करना जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग रोगी हैं। निद्रा एक औषधि के रूप में हमारे लिए प्रतिदिन लेना आवश्यक है। भगवान जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, इसीलिए समंत भद्र स्वामी स्वयं स्तोत्र में शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, स्वजीव दे काम सुखे च कृष्णया, स्वजीव दे काम सुखे च कृष्णया, दिवाश मार्ता निशिशेर ते प्रजा, तमार नत्तम देवम प्रमत्वा, न जागरे पाप विशुद्ध वर्मनि। कि अपने जीवन के लिए और इंद्रिय सुख के लिए प्रजा दिन भर काम करती है, श्रम के कारण थक जाती है, इसीलिए निशी शेर दे प्रजा, रात्रि में जो है प्रजा सो जाती है। और भगवान के लिए कह रहे हैं तुम्हारा अंतम देव प्रमत्वा, आप चाहे रात हो चाहे दिन हो, विशुद्धि के मार्ग पर आप हमेशा जागृत रहते हैं। और जो जागृत रहते हैं उनका कोई चुरा नहीं सकता कुछ, जो सो जाते हैं उनकी संपत्ति लुट जाती है। कहा बताती है घोड़ा बेच के सो रहे हैं, क्योंकि घोड़े यदि बांध करके और सोएंगे तो घोड़े चुरा सकते हैं, ऐसा सोच करके घोड़े बेच दिए, उनको कोई चिंता नहीं, आराम से सो रहे हैं। पिशापार स्तोत्र में भी धनंजय कवि ने वहां पर लिखा है कि भगवान अशेत वृंदों की हतों की विष्णु किम ग्रीयते एन भवान जाता। आप भगवान हमेशा जागृत रहते हैं, इसलिए आपसे कौन किसी चीज को चुरा सकता। और जो सो गए हैं उन्होंने अपनी संपत्ति को लुटा दिया। तो भगवान हमेशा जागृत रहते हैं। 18 दोषों में एक दोष निद्रा भी है जिससे भगवान रहित है। भगवान गुणों के सागर हैं और दोषों से रहित हैं। और संसार में ऐसी परिपाटी है कि जहां पर दोषों से युक्त भी है फिर भी उनको देव कह दिया जाता है, क्योंकि संसार की तो विचित्र परिपाटी है, कुछ का कुछ बोलते हैं। कबीरदास जी ने इसी पर लिखा कि चलती को गाड़ी कहे, जो चलती है उसको गाड़ी बोलते, गाड़ी तो वो होती है जो चीज गड़ी होती है, गड़ी है ना, रुकी हुई है थमी हुई है कहीं पे, उसको गाड़ी कहना चाहिए, लेकिन चलती को गाड़ी कहे और असल माल को खोया, पानी खो जाता है और जो असल माल रह जाता है उसको खोया बोलते हैं, जो खोया नहीं है सामने तो भी कहते खोया, खोया भी बोलते पता लगे, लेकिन बात जो है वहां पर उस समय में खोया बोलते होंगे बाबा को, असल माल को खोया और रंगी को नारंगी कहें, कितना सुंदर रंग होता है उसका, फिर भी उसका नाम नारंगी,
रंगी को नारंगी कहे देख कबीरा रोया। कि संसार में तो कुछ का कुछ बोलते हैं, तो वहां जहां जिनमें वो गुण नहीं है फिर भी दोस्त से युक्त हैं, फिर भी भगवत्ता लोग कहते हैं। एक बार हमने पहले भी सुनाया था कि एक वैदिक क्षेत्र पर विदेश के लोग घूमने के लिए आए और जब उन्होंने वहां पर दोपहर में 12 बजे बोला तुमने अभी भगवान के शयन का समय है, तो वहां फॉरेन की जो ग्रुप था उसमें एक महिला बोली कि डज गॉड ऑल्सो स्लीप, क्या भगवान भी सोता है? भगवान जो होते हैं उनको भी नहीं सोना पड़े तो फिर उनमें और हमें क्या भेद है? हम लोग रोगी हैं इसलिए प्रतिदिन सोना पड़ता है, लेकिन कैसे सोना इसके बारे में भी आप हमें वर्णन किया। साधुओं का शयन कैसे हो, साधुओं से जो है श्रावक भी शिक्षा ले सकते हैं। उसमें दो मुद्रा बताई है शयन करने की, एक तो है दंडवत, एकदम बिल्कुल सीधे, सीधे मतलब सीधे ऐसा नहीं मतलब दंड के समान पैर बिल्कुल एकदम सीधे रहे, वैसे तो करवट से शयन करना चाहिए लेकिन उसमें भी बिल्कुल पूरे पैर सीधे हों तो वो दंड के समान। और दूसरा बताया है धनुषवत, धनुष जो होता है थोड़ा सा फोड़ लेता है, थोड़ा सा फोड़ तो ले सकते हैं लेकिन जब ठंड का समय आता है तो उस समय में तो कई लोग बिल्कुल गठरी बन जाते हैं, घुटने जो रहते हैं वो छाती से चिपका लेते हैं, ऐसे भी सोने वाले होते हैं। लेकिन इस प्रकार से यदि शयन करेंगे तो शरीर में व्याधियां उत्पन्न होगी और अच्छी तरह से निद्रा भी नहीं आएगी। अब दिशा की बात करें तो दिशा में, किस दिशा में अपने लिए शयन करते समय में पैर होना चाहिए, तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव भी अपने शरीर के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर भी पड़ता है। एक तो है जैसे उत्तर में पैर होना चाहिए, दक्षिण में सिर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की दिशा को काल की दिशा कहा जाता है। जब समाधि का समय होता है उस समय में दक्षिण में पैर कर लेते हैं, उससे मृत्यु के लिए सहजता होती है। काल की दिशा मृत्यु के लिए निकाले आराम से, उससे मृत्यु के लिए कारण बनता है। विज्ञान की दृष्टि से भी अपन देखें तो अपना शरीर एक चुंबक मैग्नेट की तरह है और उसमें भी दो पोल जैसे होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल है। और आप लोगों को विदित होगा कि जो समान पोल यदि होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, और जो अपोजिट पोल होते हैं अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो अपने पैर में साउथ है और यदि अपन नॉर्थ की ओर पैर करके सोते हैं तो वो अपने को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो अपनी बॉडी में खिंचावट होती है। और खिंचावट जब होती है, खिंचाव जब होता है तो उससे अपने को रिलैक्स फील होता है। आप लोग भी जब स्ट्रेच करते हैं अपने दोनों हाथों को तो उससे जो है आपके लिए अच्छा लगता है। और यदि अपन उसके विपरीत यदि सेम करेंगे तो फिर क्या होगा, वहां पर रिपल्सन होगा और उसके कारण में आप दबाव महसूस करेंगे। जिन लोगों की अच्छी हाइट है यदि रात्रि में ट्रेन में शयन करते समय में छोटी बर्थ मिल जाए तो कितनी परेशानी होती है, वो उन लोगों के लिए अनुकूल होगी। तो दबाव में जो है रात्रि में शयन करने में दिक्कत आती है, बाधा आती है। तो दिशा का चयन करने में भी अपन ने विपरीत चयन कर लिया तो अपने लिए निद्रा अच्छी तरह से नहीं आ सकती। पूर्व की दिशा जो होती है, अब यहाँ पर कई लोगों का ऐसा भी चलता है कि यदि अपन उत्तर की ओर भगवान का मुख है और एक पूर्व की तरफ भी भगवान का मुख है तो अपन पूर्व में पैर कर लें, लेकिन ऐसा नहीं, पूर्व की दिशा में सिर होना चाहिए। प्राचीन नीति श्लोक मिलता है प्राक शयने विद्या, प्राक सिर शयने विद्या, पूर्व की ओर सिर यदि अपन रात्रि में शयन करते समय रखते हैं तो उससे विद्या के लिए, प्राप्ति के लिए सहायता मिलती है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों को अपने सिरहाने जो है
सिर की तरफ रखने चाहिए। रात्रि में शयन जब करते हैं तो उस समय में शयन करने के पहले थोड़ी देर, कम से कम जो है आधे घंटे पहले अपने जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल आदि हैं उनसे संपर्क को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि उसके प्रभाव से यदि अपन एकदम करके जल्दी से अपन कुछ देखते देखते और शयन करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा मन पर और अच्छी तरह से नींद नहीं आएगी, उनसे दूर। सबसे अच्छी निद्रा के लिए कारण बनता है कि अपन रात्रि में कुछ धर्म ग्रंथ का आधे घंटे अध्ययन करें, उसके बाद शयन करें तो आपको बहुत अच्छी निद्रा का लाभ हो सकता है। तो ये दिशाओं संबंधी बात हो गई। और जब अपन शयन करते हैं तो उस समय में वहां का प्रकाश भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रकाश में भी निद्रा अच्छे से नहीं आती। और दिन में शयन नहीं करना चाहिए, दिन अपने लिए ज्ञान के अर्जन के लिए मिला है, सूर्य का प्रकाश अपने लिए कि अपने लिए दिन में जो कुछ अर्जन करना है वो दिन में ही कर सकते हैं। रात्रि हो जाने के बाद में फिर वहां पर आपको कुछ आलम्बन लेना पड़ेगा प्रकाश आदि का, बाकी दिन में तो आपको स्वाभाविक रूप से प्रकाश मिलेगा। तो रात्रि में जो शयन करते हैं उनके लिए अच्छे शयन के लिए दिन में शयन नहीं करना चाहिए, यदि दिन में शयन कर लेते हैं तो रात्रि की निद्रा उससे भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। अब दिन में बहुत प्रमाद आता है साधुओं के लिए भी, आहार के बाद में स्वाभाविक में जब आहार पहुंचता है तो उसका ब्लड का जो सर्कुलेशन सारा पेट की ओर हो जाता है और उससे मस्तिष्क के पास में वहां पर रक्त की कमी होती है, उससे प्रमाद आना स्वाभाविक है। लेकिन प्रमाद के समय में भी अपन बैठे बैठे यदि थोड़ा प्रमाद आ जाए तो वो इतना दुष्प्रद नहीं है, दोषप्रद नहीं है, लेकिन अपन जो है बिछा करके सो जाओ तो वो तो अपन उसके लिए आमंत्रण दे रहे हैं, वो दोषप्रद कहलाता है। इसलिए यदि कभी कोई परेशानी में भी बैठे बैठे भी झपकी आ जाए तो वो इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन यदि अपन शयन करते हैं तो उससे जिना का हमने बताया है कि उसके माध्यम से दर्शनावरणी कर्म का आश्रम होता है। चार पांच प्रकार की निद्राओं का वर्णन जिनागम में किया है। एक सामान्य निद्रा होती है जो दिन भर की थकान को दूर करने के लिए ली जाती है, उसको निद्रा कहते हैं। एक दूसरी निद्रा होती है जिसको निद्रा निद्रा नाम दिया है, जो और बढ़कर की नींद आती है वो निद्रा निद्रा कहलाती है। बच्चों में खासकर बहुत नींद का रहता है, बच्चों को सुबह सुबह माताएं उठाती हैं, उठा करके बिठा भी देती हैं, यदि थोड़ा सा चूक जाए तो बच्चे पुनः सो जाते हैं, तो वो निद्रा निद्रा कहलाती है। एक निद्रा प्रचला होती है, प्रचला जिसमें जो निद्रा अपनी आत्मा को चलायमान कर दे, ऐसी परिभाषा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने दी है। बैठे बैठे भी जो नेत्र की जो है वहां पर दृष्टि इस प्रकार से होने लगती है, अपना शरीर भी हिलने लगता है, तो वो प्रचला कहलाता है। और इसी में जब प्रगाढ़ता आती है तो मुंह में से लार आदि भी टपक जाती है निद्रा में, ऐसी जो निद्रा होती है वो प्रचला प्रचला कहलाता है। और इसके बाद में पांचवी निद्रा जिसको स्त्यान ग्रंथि निद्रा कहा है, कि जिसमें सोते सोते भी बहु रौद्र कर्म करोति, कई ऐसे कार्य कर देते हैं और सुबह उठने पर कुछ भी ध्यान नहीं रहता, जिसे कहते हैं रात्रि में नींद में चलने की आदत जैसी होती है, बीमारी जैसी होती है, वो और कुछ नहीं है इस निद्रा निद्रा का, नहीं स्त्यान ग्रंथि का उदय इस प्रकार के कार्य कराता है। आप लोगों ने सुने होंगे कुछ उदाहरण कि एक महिला रात में शयन करते समय आभूषण पहन करके शयन किया था, सुबह उठने पर देखा सारे गायब हो गए, दरवाजे सारे बंद हैं, कहां चले, किसी नैमित्तिक से पूछा, उसने कहा 7 दिन के बाद आपको मिल जाएंगे, 7वीं रात्रि में आपको जागृति से देखना है कि क्या हो रहा है, शयन नहीं करना है। और देखा उसने कि वो रात में महिला उठी, दरवाजे खोले, घर के बाहर
थोड़ी दूर जाने पर एक बहुत बड़ी शिला थी, उसको उसने अपने एक हाथ से उठा लिया, जिसको कि 10 लोग भी नहीं उठा सकते, उसने एक हाथ से उसको उठा लिया और उसके नीचे जो जेवर रखे थे निकाल करके लाई, पहन करके सो गए। पता पड़ा कि 7 दिन पहले उसने स्वयं जो है उस शिला के नीचे जाकर के दबा दिया। एक और घटना आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है कि एक कोई छात्र श्यामबाग विद्यालय में पढ़ता था, जो रात्रि में जाकर के गंगा में, क्योंकि गंगा के घाट पर ही भदिनी घाट है जहां पर वो विद्यालय है, वो रात्रि में नदी में जाकर के तैर करके आकर के सो जाता था। पूरे बिस्तर उसके गीले देख करके सब लोग चकित थे और देखा एक बार कि भाई क्या होता है। देखा वो रात में उठ करके, जबकि जिसमें जिसको दिन में तैरना नहीं आता वो जाकर के रात में तैरता है। वो कहते हैं लोगों ने कहा अरे मत करो, ऐसा मत करो डूब जाओगे, और उसकी निद्रा खुल गई, वो कहते हैं वो उसमें डूब। तो ऐसी जो है स्त्यान वृद्धि नाम की निद्रा होती है। विदेश में भी इसकी घटना, इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। एक जगह पर दो मित्र थे और दोनों का एक प्राइवेट बैंक था, दोनों उसमें जो संपत्ति आती थी रात में जब बंद करते थे अपनी दुकान, बैंक बंद करते थे तो सारे पैसे गिन करके उस तिजोरी में रख देते थे। एक दिन रात में जिसको की स्त्यान वृद्धि का प्रकोप होगा वो उठ करके गया और उसने उस तिजोरी को खोल करके उसमें जो पैसे रखे थे उसको निकाले और दूसरे वाले ने उसको निकालते हुए देख लिया और उसने ला करके अपने घर में अलमारी खोली। वो बाहर से देख रहा था कि अलमारी में रख रहा है, अलमारी में रखने के बाद में सो गया। और दूसरे दिन जब बैंक में पहुंचे तो कहा कि भाई चोरी हो गई है और रिपोर्ट लिखा दी। उसी ने रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने पूछा तुम्हें किस पर शक है, कहने हम दो लोग हैं, स्वाभाविक है मैं जब रिपोर्ट लिखा रहा हूं तो दूसरे पर ही शक है। और इतनी अच्छी मित्रता थी, उसने कहा ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसने बोला नहीं कि तुम खुद ले गए, उसने कुछ नहीं बोला। और बाद में जब पुलिस से वहां पर बात चर्चा हुई तो उसने कहा कि तुम कुछ मत करो मैं सब ठीक कर लूंगा। और बाद में जिसको जो स्त्यान वृद्धि का प्रकोप रहता था वो रात में कोर्ट पर पहुंच गया और वहां पर चिल्लाने लगा कि नहीं मेरे मित्र ने मेरे ऊपर कोई शक नहीं है, उसने चोरी नहीं की होगी। तो जाकर के देखा वहां पर, उसको पकड़ा और लेकर के आए, लाकर के घर में उसको शयन कराया। शयन कराते समय में उसको ठंड लग रही थी, उसने कहा कि चादर निकालो उससे, और चादर निकाल करके दी तो वो बैग जिसमें पैसे रखे थे वहां पर गिरे और वो चौंक गया, लेकिन ये पैसे यहां पर कैसे आ गए, स्वयं उठा करके लाया है लेकिन कुछ भी उसको ध्यान नहीं। तो ऐसा जो है स्त्यान वृद्धि का भी प्रकोप होता है। तो ऐसी 5 प्रकार की निद्राएं होती है। एक कर्म है जिसके माध्यम से अपनी चक्षु दर्शन को जो प्रभावित करने वाली होती है, ऐसी जो है निद्राओं का प्रकोप रहता है। निद्राओं के बारे में जब शयन करते हैं तब उस समय में वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ता, नहीं तो निद्रा देवी आओ आओ कहते कहते कई लोग कर्मठ बदलते बदलते परेशान हो जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है जिनको ज्यादा समय नहीं लगता। कई लोग तो हमें ऐसे भी मिले जो बोलते हैं कि हम लोग 9 बार ओंकार मंत्र भी पूर्ण नहीं कर पाते और निद्रा के आगोश में चले जाते। जहां निद्रा प्राप्त करने के लिए अच्छा वातावरण भी होना चाहिए, जहां पर ज्यादा शोर आदि होता है वहां पर भी निद्रा अच्छे से नहीं आती। एक उदाहरण आप लोगों ने पद्म पुराण में सुना होगा, जब सीताराम लक्ष्मण एक नगर के पास पहुंचे तो देखा सारे लोग अपने अपने सिर पर जो है सामान उठा करके गद्दे आदि सोने के लिए सारी व्यवस्थाएं लेकर के उस नगर को छोड़ करके जा रहे थे। पूछा उन्होंने भाई क्या हो गया, कहने लगे भाई यहाँ पर नगर के पास में जो पर्वत है वहां से ऐसी आवाज आती है कि हम लोग रात में सो नहीं पाते, तो हम लोग यहां से थोड़ी दूर जाकर के वहां पर शयन करते हैं, सुबह लौट करके आते हैं।
तो सीता बोलती है अपन लोग भी चले, अपन लोग भी बाहर सोकर के आएंगे। तो वहां पर श्री राम कहने लगते हैं कि तुम इनके साथ चली जाओ, हम तो जाकर के देखेंगे पर्वत पर काई की आवाज़। और वो जो आगे बढ़ जाते हैं, सीता भी पीछे पीछे आती है, अनुगामी है, और कहती है कि आप लोगों की हट तो ऐसी है कि एक बार पकड़ ली तो छूटती नहीं है, केकड़े जैसी हट, एक बार पकड़ लिया तो फिर वो छोड़ता है। तो फिर उस पर्वत की ओर चढ़ते हैं, चढ़ करके जब ऊपर देखते हैं तो वहां पर दो मुनिराज ध्यानस्थ है, बड़ा ही सुंदर रूप के पूर्व में राजकुमार रहे हैं, और उनकी ध्यान मुद्रा को देख करके वो लोग उनकी वंदना करते हैं। और वहां पर जब नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि आसपास में सर्प बिच्छू आदि भी वहां पर घूम रहे हैं, अपने धनुष के माध्यम से उनको दूर करते हैं। और अभी रात्रि होने वाली है, रात्रि भी नहीं, अभी संध्या काल है, तो सरोवर का जल ला करके जो कि पर्वत से गिर रहा है जिसके कारण वो स्वयं भी प्रासन्न हो जाता है, ऐसे जल को ला करके वो मुनिराज के चरणों को वहां पर अभिषेक करके उनके गंगोदर को सिर पर धारण करते हैं और उनकी बैठ करके वहां पर भक्ति करते हैं, वीणा आदि का वादन करते हैं और सीता वहां पर नृत्य करती है। इसी बीच में एक देव जो इन मुनिराज को केवल ज्ञान ना हो जाए, क्योंकि उसने एक समोषण में गंधकुटी में, पूछा था कि भगवान आपको जो है केवल ज्ञान हुआ, इसके बाद में कौन अगले केवली होंगे, तो वहां पर बताया कि अगले केवली ये दोनों होंगे। और कई भाव का जो है बैर उनके मन में था, उसके कारण में इनको केवल ज्ञान ना हो जाए इसलिए उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा। और उपसर्ग में वहां पर वो बड़ी तेज ध्वनि करता है, राक्षसों को भेजता है उनके लिए परेशान करने के लिए। और जब उस समय में वो आता है, वो जैसे ही ये प्रक्रम प्रारंभ करता है, आवाज सुनकर के सीता डर जाती है। और उस समय में जो महापुरुष हैं बलभद्र और नारायण हैं, वो वहां पर अपने धनुष को संभाल करके सीता को बोलते हैं महाराज के चरणों में बैठो, अभी हम देखते हैं। और प्रत्यक्षा चढ़ा करके एक बार उसकी टक्कर करते हैं और उस आवाज को सुन करके वो देव समझ जाता है कि अब यहाँ पर हमारा बल नहीं चलेगा। अपनी सारी प्रक्रिया को समेट करके वो वहां से भाग जाता है और महाराज को अनुकूलता मिलती है और वो शुक्ल ध्यान पर आरोहित हो जाते हैं। और दोनों महाराज के लिए उसी समय में एक साथ में कई भवों का साथ एक साथ साथ था और एक ही साथ में उनके लिए केवल ज्ञान। तो ये भी जो है निद्रा से संबंधित एक प्रसंग है। कई कई बार निद्रा दिन में कुछ घटना घटी हो और उसको अभी अपन अपने दिमाग के साथ साथ में दिल पर लेकर के भी सोते हैं तो भी निद्रा नहीं आती। कोई बात हो गई उसको जो है पहले ही जो है रफा दफा कर देना चाहिए। रात में भी नहीं लेकर के सोएंगे तो रात्रि में निद्रा भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं। ऐसा ही एक प्रसंग आवत में है इसी पद्म पुराण का कि एक चोर एक राजा के यहाँ पर चोरी करने के लिए पहुंचा है और देख रहा है कि राजा वहां पर शयन नहीं कर रहा है, घूम रहा है, सोच रहा है कि सो जाए तो हम चोरी करें। लेकिन वो घूम रहा है तो उसकी पत्नी पूछती है कि आज आपको निद्रा क्यों नहीं आ रही। तो उस समय राजा कहता है कि आज मुझे पता पड़ा है कि एक व्यक्ति मुझे नमस्कार नहीं करता, वो अपनी हाथ की अंगूठी उसने ऐसी बनवाई है, उसमें मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा लगाई है, मुझे नमस्कार करते समय मैंने सुना है कि वो मुझे नमस्कार नहीं करता, उस प्रतिमा को नमस्कार करता, अहंकार के कारण मुझे नमन नहीं करता, मेरे द्वारा जो है राज इसको दिया गया है और मुझे नमन नहीं करता, ऐसे जो है अहंकार को ठेस लगी है इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, जब तक मैं उसको सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक मैं चैन से कैसे सो सकता हूं। ऐसे भाव उसके वहां पर जो सुनता है और जिसके बारे में बोला जा रहा है अरे वो तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है और मैंने कल उसको बुलवाया है यहां पर, उसको ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखे।
और ये सोचता है कि बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति है वो, तो मुझे उसकी रक्षा करना चाहिए। चोरी के जिस काम के लिए आया था उसको छोड़ करके और वहां जाता है, और वहां पर पहुंचता है उस समय में इधर राजा का बुलावा आया है, वो जाने के लिए तैयार है, और उस समय उससे कहता है कि आप वहां मत जाओ, वो राजा बड़ा दुष्ट है, वो आपके साथ में दुर्व्यवहार करेगा, आपको तो अपनी रक्षा करने के लिए अपने ही इसमें गढ़ में रहना चाहिए। और उस समय में राजा आता है, लेकिन वो गढ़ में सुरक्षित रहता है, वहां सब कुछ नष्ट करके वो चला जाता है, लेकिन वो वहां पर सुरक्षित रहता है। और फिर बाद में जब श्री राम लक्ष्मण सीता वहां पर पहुंचते हैं तो उसकी वहां पर धर्म निष्ठा देख करके उसको प्रणाम करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उसको पुनः स्थापित करते हैं। लेकिन जो प्रसंग निद्रा संबंधी अपन ने लिया कि ऐसे समय में भी निद्रा अच्छे से नहीं आती यदि मन में कोई खेद खिन्नता रहती है, और यदि मन में वैराग्य के भाव भी प्रबल जाए उगड़ जाए तब भी जो है निद्रा नहीं आती। वैराग्य के भाव की भी हम संसार के स्वरूप को समझ गए हैं तो उस समय में भी निद्रा जो है, जैसे कि जो जंगू कुमार प्रातः काल में दीक्षा के भाव लिए हुए रात भर को नींद आएगी। एक और प्रसंग भी पद्म पुराण का ही है कि एक राजा के यहां पर फिर चोर पहुंचा है चोरी करने के लिए, और उस समय में फिर राजा रानी के संवाद को सुनता है। उस संवाद में राजा अपनी रानी से कह रहे हैं कि कल सुबह मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं और तुम खेद मत करना, यदि तुम्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ना हो तो बढ़ना, नहीं बढ़ना हो तो जैसे बने घर में रह करके साधना करना, लेकिन तुम खेद नहीं करना क्योंकि संसार के सारे संयोग वियोग में होते, कभी ना कभी तो अपना वियोग होगा ही। ऐसा जब वो वहां पर सुनाता है तो उस समय में चोर जो चोरी करने पहुंचा है वो सोचता है कि देखो इतना वैभव होने के बाद में ये उसको तृण के समान जान करके छोड़ रहे हैं, और मैं कैसा हूं कि चोरी करने ऐसे राजा के पास आया। राजा को तो वैराग्य हुआ ही है, उस चोर के मन में भी वैराग्य के भाव आ गए, राजा के साथ साथ में उस चोर ने भी दीक्षा धारण कर, वो बात अलग है कि बाद में मन में परिणति ऐसी हो गई कि जिस समय में किसी दूसरे महाराज ने 4 महीने का उपवास किया था और उसी जगह पर ये महाराज जब पहुंच गए, उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि आपने 4 महीने का उपवास किया है, इन्होंने किया नहीं था, लेकिन मन से ये नहीं कहा कि नहीं वो मैं महाराज नहीं हूं, उसके कारण में आगे जाकर के हाथी की पर्याय को प्राप्त हुए, वो बात अलग है। लेकिन प्रसंग जो चल रहा है कि वहां पर वैराग्य उसके कारण में हुआ, और फिर उस हाथी की पर्याय में यही मुनिराज जिनके लिए भी केवल ज्ञान हुआ है, अपन ने पिछली कथा में देखा है कुलभूषण देशभूषण उन्हीं के उपदेश को सुनकर के इस हाथी के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अनुप्रतम को धारण करके और पुनः जो है वो स्वर्ग में पहुंचता है। तो ये प्रसंग जो है अपने लिए निद्रा से संबंधित साथ साथ में अपन इनको देख रहे हैं, और साथ ही साथ में निद्रा में एक और प्रसंग साथ में लेकर के कि एक बार कोई लोग कह रहे थे कि हमको जो है शास्त्र सभा में बड़ी नींद आती है, शास्त्र सभा में बहुत अच्छी जो है नींद आती है, इसका क्या कारण? इसके एक कारण तो ये हो सकता है कि आप रात में जो है निद्रा लेते हैं वो पर्याप्त नहीं लेते, दूसरा कारण हो सकता है कि धर्म में रुचि कम है, उसका भी कारण होगा कि जिसके कारण में आपको यहाँ पे धर्म शास्त्र सभा में निद्रा आती है, ये दो कारण है। और कर्म का तीव्रता भी हो सकता है कि कर्म का तीव्रता से ही आती है, तो ये भी एक उसमें कारण है। और साथ ही साथ में इसके लिए एक प्रसंग आपको सुनाते हैं, वैसे तो लौकिक प्रसंग है लेकिन फिर भी उससे अपने लिए प्रेरणा मिल सकती है। जब सीताराम लक्ष्मण वन में थे, और आप लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्मण जो है रात्रि होते हैं पूरे जाग करके पहरा देते, और उस बीच में एक बार उनको झपकी लगी, और जब झपकी लगी तो उस समय में कितना समय निकल गया है पता नहीं पड़ता, और जब उनकी निद्रा टूटी तो उनको मन में बड़ा खेद हुआ
कि इसी बीच में यदि कोई दुर्घटना घट जाती तो मेरे ऊपर कलंक हमेशा के लिए लग जाए। और उन्होंने उस समय में कहते हैं, वैसे कोई निद्रा देवी नहीं होती लेकिन लौकिक उदाहरण है इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने निद्रा देवी को बुला करके कहा कि तुम मेरे पास मत आया। तो उन्होंने कहा कि कब तक, कहले जब तक भैया का राज तिलक नहीं हो जाता है तब तक तुम मेरे पास नहीं आया। वो कहते हैं उस देवी ने उनकी बात मान ली और उनके पास में पूरे 12 वर्षों में नहीं आया। लेकिन जिस दिन उनका राज तिलक था, राजसभा में वहां पर दोनों का, बलभद्र और नारायण दोनों का एक साथ राज तिलक हुआ और उसी सिंहासन पर बैठे बैठे ही उनको झपकी आ गई। कई बार होता है, कई आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को भी देखा होगा कि जो मंच पर जो है फर्राटे भरने लगते हैं, उनकी फोटो भी पेपर में छप जाती है। तो ऐसी जो है निद्रा उनके लिए आ गई। और जब निद्रा टूटती है तो उस समय में आसपास में देख करके शर्म भी आती है कि देखो इधर क्या सोच रहे होंगे, हम तो यहाँ पर झूम गए। तो उनके लिए फिर हमने जो है वहां पर बड़ा खेद उत्पन्न हुआ। उन्होंने फिर निद्रा देवी को बुलाया और कहा कि तुम मेरे पास क्यों आती हो, मेरे पास मत आया करो। तो उस निद्रा देवी ने पूछा कि मैं फिर कहाँ जाऊं, तो कहते हैं लक्ष्मण ने कह दिया कि किसी धर्मसभा में किसी को पकड़ लिया। और वो तैयार रहती है कि कौन आंखें बंद करने के लिए तैयार है, और जैसे ही वो आंखें बंद करती है, यानी कोई भी बंद करता है, तो वो जो है निद्रा उसके ऊपर सवार हो जाती है। इसलिए धर्म सभा में कभी भी आंखें बंद करके, एक दिन हमने बोल दिया था आपसे कि अध्यात्म का वर्णन चल रहा है, आंखें बंद करके सुनो तो देखा कहीं कोई झूमने लगे। इसलिए कहना पड़ रहा है कि कभी भी जो है प्रवचन आंखें बंद करके मत सुनना, नहीं तो फिर उसमें जो है निद्रा सवार हो सकती है। इसलिए अपने लिए निद्रा जरूरी है, लेकिन उसको किस प्रकार से लेना है, और साथ ही साथ में जो निद्रा से युक्त है वो भगवान नहीं हो सकते। जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हैं वही हमारे आराध्य होते हैं। 18 दोषों से रहित भगवान हमारे आराध्य होते हैं। उनकी आराधना हम सभी लोग प्रतिदिन करें इसी भावना के साथ में। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचने अगर नहीं रहे और प्रमाद जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, तेरे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो तो समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा थाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता महामंत्र का जाप सभी जपे नभ